यू कर लेना हॉरिजॉन्टल ताकि पढ़ पाओ। देखिए जो भी हमने बोर्ड पे पढ़ाया था वो सारा किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स, हाउ मेनी सिस्टम्स ऑफ सेल्स टैक्स आर देयर, लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये वैट, अब तक जो हम लोग पढ़ाते थे वो क्या पढ़ाते थे, वैट इज ए सेल्स टैक्स, वैट इज ए सेल्स टैक्स। क्योंकि इंडिया में वैट को किस तरह से यूज किया गया था, सेल्स टैक्स की तरह से यूज किया था। तो वैट बेसिकली किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, इट इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। तो वहां पर जब आपको किताब मिलेगी तो वहां लिख लेना वैट इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। और ये सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स कितने हैं, दो तरह के, सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट। सिंगल पॉइंट दो तरह के, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, रिटेल बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। और कहां लगता है ये, पूरे दुनिया में कहां है, सिर्फ यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया था। देखो वहां लिखा हुआ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, टैक्स बेस, कास्केडिंग इफेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में कौन सा सिस्टम एप्लीकेबल हो पाएगा, कोई भी सिस्टम एप्लीकेबल होना मुश्किल था, क्योंकि इंडिया में छोटे रिटेलर से लेकर बड़े रिटेलर तक हैं, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर भी है। तो वैट का जो सिस्टम है, जो क्रेडिट सिस्टम है, वो कौन सा सिस्टम है, वो वर्क कैसे करता है, लास्ट पॉइंट प्लस मल्टीपल पॉइंट। तो वैट इज अ मिक्सचर ऑफ लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम एंड मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। ये भी आएगा लिखा हुआ देखना। फिर नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। व्हाई, सिंस आईडीटी शुड बी लेवाइड ओनली व्हेन गुड्स आर अल्टीमेटली कंज्यूम्ड, बट दिस सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इन इंडिया सिंस देर आर मेनी स्मॉल डीलर सेलिंग गुड्स इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग रिमोट प्लेसेस। इसके बाद वॉट इज द मीनिंग ऑफ वैट, वैट इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम एंड लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम विथ सिस्टम ऑफ सेट ऑफ ऑफ टैक्स ऑन अर्लियर परचेजेस। तो जीएसटी इसी कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहा है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं वैट इज जीएसटी। तो वैट क्या है, जीएसटी है। और जीएसटी बहुत आसान है इन द सेंस कि कास्केडिंग नहीं हो रहा शुरू से लेकर अंत तक। मैन्युफैक्चरर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आपके कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, सप्लाई का। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और बोथ, उसमें दो तरह के टैक्स लगेंगे, कौन कौन से, एक सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले क्या जाता था, एक्साइज जाता था, उसके बाद जब सेल होता था तो स्टेट गवर्नमेंट को वैट चला जाता था। अब उस वैट की जगह क्या आएगा, एसजीएसटी। समझ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा, जो एसजीएसटी है वो जिस स्टेट में लोकल सेल हुआ है वो स्टेट रख लेगा, ठीक है। सेकंड, वैट इज ए कंजम्पशन टैक्स बिकॉज इट इज बोर्न अल्टीमेटली बाय द फाइनल कंज्यूमर। और हमने मैथमेटिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स में क्या बताया था, इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को टैक्स मिलता जा रहा है, बार बार वो टैक्स का बर्डन पास ऑन हो रहा है, और अल्टीमेटली पूरा टैक्स किसके पॉकेट से निकल रहा था, कंज्यूमर के पॉकेट से निकल रहा था, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, वैट इज ए कंजम्पशन टैक्स बिकॉज इट इज बोर्न अल्टीमेटली बाय द फाइनल कंज्यूमर, द टैक्स पेड बाय द डीलर इज पास्ड ऑन टू द बायर, दिस कंजम्पशन टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फिर वैट इज नॉट चार्ज ऑन द डीलर, बताइए डीलर के पॉकेट से निकल रहा था वैट, या डीलर के पॉकेट से जीएसटी निकलेगा, नहीं, डीलर क्या कर रहा था, पास ऑन कर रहा था, सप्लायर क्या कर रहा था, पास ऑन कर रहा था, बट इज चार्ज ऑन द अल्टीमेट कंज्यूमर हु बियर्स द एंटायर टैक्स बर्डन। Therefore, nature of VAT is indirect tax since burden is passed on to the ultimate consumer. और क्या consumer को पता लगता है कि उसके pocket से कितना tax निकला है? बोलो, consumer को पता लगता है उसके pocket से कितना indirect tax निकला है? Yes or no? Yes. कैसे पता लगता है? Bill के through. Next, every dealer pays and collects VAT. बताइए मैं अगर dealer और supplier को agent कहूँ government का तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आज मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करके आपसे टैक्स लेता हूं और गवर्नमेंट को जमा करवा देता हूं। वैसे अल्टीमेटली लायबिलिटी किसकी होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को आपसे डायरेक्ट कलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन कलेक्ट मैं कर रहा हूं, मेरे पॉकेट से तो नहीं जा रहा, मैं आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, एक तरह का गवर्नमेंट का कमीशन एजेंट हो गया।
तो गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए मुझे? कमीशन देती है, ऊपर से मारती और पीटती है, बोलते नहीं टैक्स कलेक्ट करके दोगे तो हम आप इंटरेस्ट लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, जेल में भेज देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, एहसान करने के बाद भी ये सब सुनना पड़ता है। चलिए फिफ्थ में, गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स एज सून एज सेल ऑब्लिक सप्लाई इज मेड। आज मैंने आपको जब डिफरेंस बता रहा था लास्ट पॉइंट और वैट सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स में, लास्ट पॉइंट में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि मैन्युफैक्चरर बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स उस प्रोडक्ट पे 6 महीने बाद मिल रहा है, और यहां पर जब जब सप्लाई हो रहा है तब तक गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट, आप ये समझ लीजिए, लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 90% टैक्स तो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी होती है क्रेडिट सिस्टम में। तो वैट सिस्टम एक तरह से अच्छा सिस्टम है, इसीलिए मोर देन 150 कंट्रीज में वैट सिस्टम लगा हुआ है। नेक्स्ट, वैट इज एंटी कास्केडिंग। द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स इज अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम टैक्स ऑन सेल, देयरफॉर इनपुट टैक्स इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। इफ टैक्स पेड ऑन इनपुट इज नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट देन इट शैल नॉट क्रिएट कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये मैंने सारा समझा दिया था आपको, नेक्स्ट पेज में आइए। चलिए, वैट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पर्सन इन ए ट्रेड चेन, लेट अस सी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट। बताइए, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है वो टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन मिल रहा है, क्योंकि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो, उसी पे तो टैक्स मिल रहा है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जो टैक्स इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है दैट इज ऑन टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। पढ़िए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट वैट इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन सिंस गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। क्योंकि जितना टैक्स वो ऑलरेडी सेल प्राइस पे लग चुका है उसका तो गवर्नमेंट क्रेडिट दे रही है। मैंने आपको एक लैंग्वेज बोली थी, जितना एक्स्ट्रा टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं उतना गवर्नमेंट को जमा करवाना है। वो एक्स्ट्रा टैक्स बेसिकली है किसके ऊपर? वैल्यू एडिशन के ऊपर है। समझ में आया? तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट इट इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। आज कंज्यूमर जो टैक्स दे रहा है वो ऑन सेल प्राइस दे रहा है, आज जो डीलर जब खरीद रहा है तो वो सेल प्राइस पे दे रहा है। समझ में आया? बिल पे ये तो नहीं लिखा होता ना टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, वो तो सब्ट्रैक्शन मेथड पे लिखा होता। सब्ट्रैक्शन मेथड मैंने क्या बोला था, ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली वैट किस पे लग रहा है, टोटल जो टैक्स लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है? सेल प्राइस पे। और सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था? कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। और कॉस्ट पे जितना टैक्स लग चुका है उसका क्रेडिट मिल जा रहा है। अल्टीमेटली जो डीलर टैक्स दे रहा है वो एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट पे दे रहा है। समझ में आ रहा है? जब डीलर खरीद रहा है तब तो सेल प्राइस पे टैक्स देके खरीद रहा है, लेकिन जब बैकग्राउंड में जब कैलकुलेशन कर रहा है तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कर रहा है। ठीक है? तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डीलर वैट इज ए टैक्स ऑन सेल प्राइस। हाउएवर ए डीलर पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन वैल्यू एडिशन, टैक्स पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर वैट इज ए टैक्स ऑन सेल प्राइस। प्लीज, समझ में आया? चलिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वैट? तो ये इट इज एंटी कास्केडिंग, मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन, इसका मैंने कारण बता दिया था कि मैन्युफैक्चरर को एक बार आप ठीक से पकड़ लें, मैन्युफैक्चरर अगर टैक्स ले लेता है तो चेन बनती जाएगी और वो भी बिल इशू करना शुरू कर देगा। और इनफैक्ट रिटेलर अगर टैक्स की चोरी करता है, या रिटेलर को हम कहते हैं कि 20 लाख तक एग्जेम्प्ट है या 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी 90% तो टैक्स कलेक्ट कर ही चुकी है। आज रिटेलर जो वैल्यू एडिशन करता है, आप सोच के देखो कितना वैल्यू एडिशन करता होगा रिटेलर, 10% से ज्यादा तो नहीं करता होगा ना। तो मान लीजिए एक रिटेलर को हमने कहा 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है एक रिटेलर को, या 20 लाख जीएसटी में 20 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 20 लाख का 1% कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख पे मान लीजिए 10% जीएसटी है, कितना? अच्छा 20,000। 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख होता है ना। और 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। यानी कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू लूज भी कर रही है तो बहुत मामूली सा गवर्नमेंट रेवेन्यू लूज कर रही है, क्योंकि उसका वैल्यू एडिशन बहुत कम होगा। चलिए, वैट प्रिस्क्राइब सिंपल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन इनवॉइस प्राइस। मैंने आपको जीएसटी में क्या बता दिया था,
क्या होगा जीएसटी में कि मैं अगर सप्लायर हूं तो मैंने जितने भी इनवॉइस काटे वो सारे अपलोड होंगे और आपको बायर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो इनवॉइस इनवॉइस का मैचिंग हो जाएगा, टैक्स टैक्स का मैचिंग हो जाएगा, तो बताइए टैक्स की चोरी कम होगी, रुकेगी तो नहीं, कम जरूर होगी। फास्ट कलेक्शन ऑफ टैक्स, इसका मैंने कारण बताया था, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट कलेक्ट कर रही है। वैट इज ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम, आपको पता लग रहा है आप कितना टैक्स दे रहे हैं, किस रेट से दे रहे हैं। फिर और डीलर सिक्स का वो क्रेडिट वाला सिस्टम है, डीलर इज रिक्वायर्ड टू हिमसेल्फ कंप्यूट द टैक्स, दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स। वैट इज बोथ कोई बात वैट इज बोथ फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल। फ्लेक्सिबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो टैक्स भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो गवर्नमेंट का प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है। फिर द टैक्स रेट ऑफ इंटरमीडियरी गुड्स डू नॉट अफेक्ट द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये मैं आपको बताऊंगा, मैं जब रेट ऑफ टैक्स करूंगा तो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, यानी कि रॉ मटेरियल पे आप टैक्स रेट कम रखिए, फाइनल गुड्स पे ज्यादा रखिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, यहीं पर समझ में आ जाएगा। मान लो आप फ्रिज बना रहे हैं, उसमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है प्लास्टिक, उस प्लास्टिक पे रेट रखिए 4% और जो फ्रिज पे रेट रखिए 28%, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा। लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम की तरफ फॉलो करता है, फ्रिज अगर 10,000 में बिक रहा है तो 10,000 का 28% कितना होता है 2,800 रुपया, तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कितना मिल रहा होगा 2,800 टोटल मिल रहा होगा। ये जो रॉ मटेरियल उसने 4% के हिसाब से खरीदा होगा तो अल्टीमेटली माइनस कितना होगा 4% तो माइनस होगा, समझ में आ रहा है, 4% दे चुका 28% फाइनल गुड्स पे, तो 28 - 4 कितना हुआ 24% गवर्नमेंट को और मिलेगा, 4% गवर्नमेंट को मिल चुका है 24% और मिल रहा है, कितना हो गया टोटल 28% हो गया या नहीं हो गया, हो गया। तो रॉ मटेरियल पे कम क्यों रखना चाहिए, रेट ऑफ टैक्स रॉ मटेरियल पे कम क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो उसकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके पास कैश बचेगा सामान बनाने के लिए, समझ में आ रहा है। चलिए फिर 10th लिखा हुआ, चेंज इन इंटरमीडियरी रेट ऑफ टैक्स इन द ट्रेड चेन डज नॉट अफेक्ट द अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी कि एक बार बताओ प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है प्लास्टिक, उसका 4% की जगह मैं 10% कर देता हूं और फ्रिज का 28% रहने देता हूं, तो क्या कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ता है, कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ेगा, फ्रिज के ऊपर रेट ऑफ कितना 28%, रॉ मटेरियल पे मैं 0% भी कर देता हूं तो कंज्यूमर को कोई फर्क पड़ेगा, कंज्यूमर को तो अल्टीमेटली 28% पे देना ही 2,800 रुपया। तो इंटरमीडिएट पे मैं 4% रखूं, 5% रखूं, 10% रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया। तो रेट ऑफ टैक्स इस तरह से डिसाइड होना चाहिए ताकि फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर अल्टीमेटली खरीदता है कंज्यूम करने के लिए, उस पर ज्यादा रख लो, इंटरमीडिएरी पे कम रख लो, इंटरमीडिएरी पे कम रखोगे तो मैन्युफैक्चरर को जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो वो लोन लेगा, लोन लेगा तो इंटरेस्ट लगेगा और वो कॉस्ट का हिस्सा बनता जाएगा, सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। तो अगर आपको फाइनल गुड्स का प्राइस को अल्टीमेटली कम रखना है तो मैन्युफैक्चरर का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए रेट ऑफ टैक्स ऑन इंटरमीडिएट गुड्स भी कम करना पड़ेगा, समझ में आया। तो जीएसटी काउंसिल ने अभी जो रेट ऑफ टैक्स निकाले हैं वो सारे किसके निकाले, कंज्यूमर के, फाइनल गुड्स है ना, दूध पे इतना, किताबों पे इतना, टीवी पे इतना, रॉ मटेरियल के रेट्स तो मुझे अभी नजर नहीं आए, नहीं नहीं जीरो बिल्कुल नहीं होगा। आपको मैं एक बात बता दूं, वैट सिस्टम में अगर रेट आप जीरो कर देंगे तो क्या होगा, चेन टूट जाएगा, है ना। और याद रखना प्योर फॉर्म, मैंने आपको बोर्ड पे क्या लिखा था, प्योर फॉर्म लिखा था, प्योर फॉर्म किस लिए लिखा था, हर एक गुड्स के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, हर एक गुड्स पे टैक्स लगा, भले कम लगाओ, अगर आप टैक्स जीरो कर देंगे तो क्या होगा, चेन टूट जाएगा, चेन नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए आप देखना जब आप जीएसटी पढ़ेंगे उसमें एक आईजीएसटी है, जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी आईजीएसटी लगा रहे, वो कस्टम ड्यूटी तो लगेगा ही लगेगा, आईजीएसटी भी लगा रहे, क्यों लगा रहे हैं आईजीएसटी, लगाना चाहिए चेन ना टूटे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आईजीएसटी लगा रहे, एक्सपोर्ट पे तो कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्यों लगा रहे हैं,
बाद में क्या चेन न टूटे, बाद में वो आईजीएसटी रिफंड कर देंगे, एक्सपोर्ट पर लग तो रहा है लेकिन बाद में रिफंड हो जाएगा। तो मैं आपके साथ जब वैट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगर एससीजेड को बेच रहा हूं, एससीजेड क्या हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, उसमें अगर मैं बेच रहा हूं तो डीम्ड एक्सपोर्ट है, इन डोमेस्टिक एरिया स्टिल ट्रीटेड एक्सपोर्ट, उस पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए लेकिन लग रहा है जीएसटी, बाद में रिफंड क्लेम कर लीजिए। आज अगर एग्जम कर सकती थी गवर्नमेंट, क्यों नहीं कर रही है, चेन टूट जाएगा। तो ये याद रखना, एक बेसिक प्रिंसिपल प्योर फॉर्म ऑफ जीएसटी सिस्टम या वैट सिस्टम ये है कि रेट ऑफ टैक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, एग्जेम्पशन मिनिमम होनी चाहिए, तब जाके ये सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है, टैक्स की चोरी बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। लेकिन आपने देखा ही होगा जीएसटी काउंसिल ने बहुत सारे ऐसे लिस्ट है जिसके ऊपर एग्जेम्पशन दी हुई है। हाँ, फाइनल गुड्स पे एग्जेम्प्ट कर दिया, हाँ जीरो है, क्योंकि फाइनल गुड्स पे कुछ गुड्स जो एसेंशियल गुड्स है उसको तो एग्जेम्प्ट करना ही चाहिए था ना, इसलिए जीरो कर दिया। हो सकता है दूध बनाने की जो आप मशीन खरीदते हैं उस पर टैक्स लग रहा है ना। और एक बात तो मैंने भी ये भी बता दी थी, जो भी चीज नेचुरल है जिसको मैं प्रोडक्शन नाम दे रहा था उस पर ड्यूटी हमेशा जीरो होती है, ठीक है। अब गाय से दूध निकल रही है तो जीरो है ना, लेकिन गाय के लिए तुम खाद खरीदो तो उस पर टैक्स लगाएंगे वो। हाँ, उसका कॉस्ट बन जाएगा। अगर तुमको मान लो आउटपुट टैक्स खत्म, इनपुट टैक्स खत्म, अगर मैं गाय का दूध बेचता हूँ, दूध बेच रहा हूँ, तो दूध पे तो टैक्स जीरो है, तो मैं जो भी सामान खरीद रहा हूँ उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैं यूज़ कहाँ करूँगा, यूज़ तो आउटपुट टैक्स के साथ ही माइनस होगा। जब आउटपुट टैक्स है ही नहीं जीरो, तो ये मेरा सारा का सारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज वैट, व्हाई वैट इज इजी टू इंप्लीमेंट, फिर ये सब आप पढ़ लेना, डिसएडवांटेजेस ऑफ वैट पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन वैट सिस्टम एंड लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम, ये सब भी पढ़ लेना, पढ़ लोगे आप प्लीज। ये वैट की किताब मैंने उस वक्त, ऑब्वियसली बहुत 10 साल पुरानी किताब है ये, आईपीसीसी में आपका थ्योरी क्वेश्चन बहुत आया करता था, तो ये सारा थ्योरेटिकल है लेकिन ये आपको बेसिक प्रिंसिपल को समझने में बहुत आसान हो जाएगा, इतनी सारी थ्योरी। अब जो आपके क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल आते हैं, समझ में आया। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सिखला दे रहा हूं, इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व करना सिखला दे रहा हूं आपको, और जिस जो तरीका मैं बताऊंगा सॉल्व करने का वही तरीका आपको अपनाना है, चाहे वैट हो, जीएसटी हो, सब में यही है, करेक्ट है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़िए, कंप्यूट वैट पेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ एट द रेट ऑफ 12.5%, 1,00,000 कितना है, 12,500, फिर लोकल सेल्स ड्यूरिंग द मंथ एट द रेट ऑफ 12.5%, 1,20,000, तो 12.5% का 1,20,000 कितना हुआ, 15,000, आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है, 15,000, और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 12,500 कैलकुलेटेड है, तो उसको टैक्स कितना देना है, 2,500, आसान है, ये किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, आप आंख बंद करके ये मेथड अप्लाई करना, वैट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो जाए, ठीक है। चलिए, जब भी वैट का क्वेश्चन आए तो बहुत सारे परचेज बिल बनाता हूं, बताइए कितने का खरीद रहा है ये, 1,00,000 प्लस टैक्स, मैं वैट ये सब नहीं लिख रहा हूं, आप इस टैक्स को जीएसटी मान लो, एक्साइज मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। टैक्स कितना रेट से, 12.5%, 12.5 है कितना आ गया, 12,500, तो वैल्यू कितना आ गया, 1,12,500, ठीक है। अब मैं सेल्स बिल बनाऊंगा, कितने में बेच रहा है, 1,20,000 प्लस टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5%, कितना आएगा ये,
15,000. अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 135,000. ठीक है, गुड्स बाहर गया और टैक्स अंदर आया, ये तो कलेक्शन है आपका टैक्स का, लेकिन मैं इसको कौन सा टैक्स बोलूंगा, आउटपुट टैक्स. क्यों बोल रहा हूं, गुड्स के बाहर जाने से जो टैक्स आ रहा है उसको हम लोग आउटपुट टैक्स कह रहे हैं. तो आउटपुट टैक्स कितना आपका 15,000 माइनस इनपुट टैक्स रेट, गुड्स अंदर आया जिसके कारण जो टैक्स आया वो कितना 12,500 जो आप ऑलरेडी दे चुके, ये माइनस कर दो तो टैक्स कितना आ गया 2,500. आया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग नहीं, कंज्यूमर से तुम ये लोगे. लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम, 15,000 ले लिया, अब गवर्नमेंट को आप कितना दोगे, गवर्नमेंट को कहोगे 12,500 में दे चुका, 2,500 और ले लो. इसीलिए तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट मैंने क्या बताया, इट इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन. आप देखो अगर सब्ट्रैक्शन मेथड अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई करोगे, 1,20,000 माइनस 1,00,000, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, कितना है वैल्यू एडिशन 20,000. 20,000 का 12.5% कितना होता है 2,500. आ रहा समझ में? और सब्ट्रैक्शन मेथड में बिल कैसे बनेगा, सब्ट्रैक्शन मेथड में कितने में बेच रहा है, 1,20,000 प्लस टैक्स 12.5% ऑन वैल्यू एडिशन, कितना 20,000, कितना आएगा ये 2,500. तो वैल्यू कितना आ गया 1,22,500. अरे समझ में? लेकिन इससे बैक कैलकुलेशन करके उसको पता लग जाएगा कि आप कितना फायदा कमा रहे हो, 20,000 रुपया का इनकम कमा रहे हो. समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने कहा था सब्ट्रैक्शन मेथड भूल जाओ, ये अप्लाई नहीं होता, मुश्किल है. अब यहां आइए, ये तो आप कहानी समझना. अब आपका जो सीए है या सीएस है, सीएमए है, वो करता क्या है क्वेश्चन को, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल कर देगा कैसे. मान लो क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू दी हुई है और इसमें लिखा है इट इज इंक्लूसिव ऑफ वैट, तो ये वैल्यू नहीं दी हुई, ये वैल्यू नहीं दी हुई, तो आपको बैक कैलकुलेशन करके निकालना होगा. समझ में आया? बैक कैलकुलेशन कैसे करोगे, 1,12,500 डिवाइड बाय 112.5%, अपने आप 1,00,000 तक पहुंच जाओगे, फिर 12,500 निकल जाएगा. समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? तो ये 12.5% है ना, तो ये दिया रहेगा 100 + 100 = 12.5. आया? दूसरा, मान लो ये वाली वैल्यू नहीं दी हुई है, 1,20,000 नहीं दी हुई है, ये लिखा हुआ है He is selling the goods at 20% profit. He is selling the goods at 20% profit. तो क्या करोगे? ये 1,00,000 निकल गया, इसमें 20% जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा 1,20,000, फिर वैट रेट लगा देना और निकल जाएगा. ठीक है, ये भी लिख सकता है, मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा. अभी आउटपुट टैक्स खत्म, इनपुट टैक्स खत्म. मान लो ये जो गुड्स बेच रहा है इस पर 0% रेट है, इस पर 0% रेट है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सेल प्राइस 1,20,000, ये जीरो हो जाएगा. लेकिन सेल प्राइस 1,20,000 जो होगा, मान लो वो लिखता है कि ही सेलिंग एट 10% प्रॉफिट और इस पर टैक्स 0% है, तो आपका कॉस्ट क्या होगा गुड्स का. मैं फिर से बोल रहा हूं, आउटपुट टैक्स जीरो है, ये जीरो है, तो इसका क्रेडिट मिलेगा आपको, तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1,12,500 हो जाएगा. आ रहा है समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर ये जीरो है तो ये कॉस्ट बन जाएगा आपका, कॉस्ट क्या हो जाएगा 1,12,500. अब जब 10% प्रॉफिट जोड़ोगे तो किसमें जोड़ोगे, 1,12,500 में. समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? तो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं वैट में. ठीक है, अब आगे, अब मैं ये चाह रहा हूं जो P2 है ये करके ले आना. P3, P4 और उसके बाद पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है. आप देखो ये सारे CA के पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, मिक्स है मतलब, और ये सारे क्वेश्चन उस जमाने में आते थे जब सिर्फ थ्योरी आया करती थी. आज के डेट में एक भी थ्योरी वैट की नहीं आएगी. ठीक है,
लेकिन इसमें थ्योरी भी है, थ्योरी समझना जरूरी है ताकि आपको लॉजिक समझ में आए इनडायरेक्ट टैक्स का। और पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स प्रिंसिपल या जीएसटी प्रिंसिपल इसी किताब से ही निकलेगा। बस मैं इसमें नाम चेंज कर दूंगा, क्या वैट की जगह क्या लिखना शुरू कर दूंगा, जीएसटी। सेल की जगह लिखना शुरू कर दूंगा सप्लाई। तो बुक क्या बन जाएगी, जीएसटी का बैकग्राउंडर बन जाएगा जो सीए फाइनल का 10 नंबर का आने वाला है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आप क्या कीजिए, नहीं नहीं थ्योरी कोई आएगा ही नहीं, लेकिन थ्योरी लर्न कर लेगा तो क्या होगा ना कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, वो आपको वैट के बारे में पूछता है तो आप क्या कहोगे, सर कैलकुलेशन कर सकता हूँ, बोल नहीं सकता, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। या कोर्ट के सामने खड़े हुए हो तो जज को आपको समझाओगे ना, जब दलील होगी आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो आपको ये सारे सेंटेंसेस याद होने चाहिए, तभी तो आप बोल पाओगे। अगर मैंने ये सारे याद नहीं किया होता तो मैं बिना देखे बोल कैसे पाता, मुझे भी बोलने के लिए याद तो करना पड़ेगा ना। चलिए आप क्या करो, अभी ये जो क्वेश्चन है P3 छोटा सा क्वेश्चन है, आप ये करके दिखला दो। चलिए